नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। टैट सेकंड ऑफ SSC CHSL 2018 रिजल्ट जो कि डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि 150 स्कोर कर रहे थे, 160 स्कोर कर रहे थे, बट फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो फेल कर दिए गए हैं। उसके पीछे रीज़न दो से तीन रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये आपका हो सकता है कि आपने कॉपी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा। बहुत सारे लोग करते हैं क्या कि अपना रोल नंबर सही से नहीं लिख पाते, कुछ लोग अपना हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शन होता है वो अच्छे से चूज़ नहीं कर पाते, उन्हें करने में दिक्कत करते हैं। कुछ लोग ये भी चीज़ करते हैं कि हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश के ऊपर टिक लगा देते हैं। ये सभी के सभी रीज़न हो सकते हैं। और सबसे मेन रीज़न होता है जो कि जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो है आप सभी का लेटर लिखते समय होता क्या है कि आपको वहाँ पर एड्रेस दिया हुआ रहता है, अगर उस एड्रेस को हटा करके एड्रेस आप उसका चेंज कर देते हो तो आपकी कॉपी जो कि है अनफेयर मींस में चली जाती है। इसका मतलब है कि आप जो कि है भ्रमित करना चाह रहे हो यहाँ वहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये चीज़ होता है कि आप जो कि है डाटा दिया हुआ है उस डाटा से बाहर की चीज़ों को लिखते हो, और इसके बारे में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि आप डाटा जो भी चीज़ आपका दिया हुआ है उसी के ही बारे में आपको लिखना है। तो कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसा भी मिस्टेक होता है, अगर आपने थोड़ा सा ही पिन कोड अगर जो वहाँ पे दिया हुआ था उसे आपने चेंज कर दिया है, वैसे ही आपका जो कि है कॉपी चेक नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और कुछ कुछ लोग यही बात बोल रहे थे कैट कोर्ट में केस करने के लिए, एक दो कमेंट मैंने देखा था ऐसा कुछ करके, कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई, ऐसा पहले भी हो चुका है तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ था, बल्कि इससे बस और बस डिले ही होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा। CHSL 19 है आपके पास, CGL 19 से आशा करूँगा कि इन सभी में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी फर्दर एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कीजिए, और जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो टाइपिंग को अच्छे से करेंगे। तो यहीं पर वीडियो को मैं लास्ट करता हूँ, चलता हूँ मैं। थैंक यू टू टैंड बाय।